वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन। हारिस ने अटेम्प्ट किया हो कैच या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हो अटैच, चाहे नसीम और हसनैन रहे हो ब्रिलियंट, लेकिन पेशावर ने फिर भी जीत लिया मैच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वाहिद हाशमी, ये है रफ्तार का मुके फायर और मैं हूं अपने पैनलिस्ट के साथ जिसमें मौजूद है मुके फायर एहसान, कराची का जज्बाती अली एंड द मैन द मिथ द लेजेंड फहद। सो भाई, पीपल डू नॉट रियली अंडरस्टैंड हाउ बिग दिस राइवलरी टुडे बॉस। पेशावर और क्वेटा, PSL की तारीख में 7 ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें एक रन के मार्जिन से कोई टीम जीती हो, जिसमें से 3 मैचेस क्वेटा और पेशावर के रहे हैं। इतनी बड़ी राइवलरी थी ये। इसको जहन में रखते हुए, वॉज 155 एवर गोइंग टू बी इनफ? मैच के रिजल्ट पे बात करेंगे। आई स्टार्ट ऑफ विद द मैन द मिथ द लेजेंड, बिकॉज ये स्टेटिस्टिक्स की बात है तो यहां पर प्लीज हमें आगाह कीजिए। मेरे ख्याल में एक और बॉलर अगर होता नसीम शाह और हसनैन जैसा तो मैच निकल जाता। 2 ओवर में हसनैन नसीम ने 2 रन दिए, बहुत बड़ी बात। तो वो मैच निकाल गए थे बेचारे अपनी तरफ से तो पूरा, लेकिन ये उसके बाद शराहों में रोशनी ना रही और मामला खत्म हो। यार मैं आपकी तरफ आऊंगा मुंह के फायर, आप जरा फायरिंग करके मुझे बताइए हाउ गुड वॉज हसनैन। यार हसनैन ने तो आज कमाल कर दिया। यानी एक तो हसनैन की जो स्पीड थी वो बहुत अच्छी थी, उसने लेंथ बहुत अच्छी कराई और एक एनर्जी लगी जैसे एक फास्ट बॉलर की एनर्जी होनी चाहिए, उसके चेहरे से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, वो बड़े तरीके से, बड़ी ग्रिप के साथ उसने बॉलिंग की, बड़ा मजा आया। और यानी बड़े मंझे हुए बल्लेबाज बड़े परेशान नजर आया उसके, कोई हंस के नैन नहीं मिला रहा था उससे, जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहा था कोई हंस के नैन। खास तौर पे जो साइम की उसने विकेट ली, मैं आज बैटिंग कर, आज मैं बैठा था यार, मैं साइम का जो पिछला मैच मैंने देखा था तो मैं बड़ी तैयारी से बैठ गया कि साइम बैटिंग करने आया है और मैं उसका गेम देखूंगा और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा कॉन्फिडेंटली खेलेगा, लेकिन हसनैन ने उसको बिल्कुल आप समझे मौका ही नहीं दिया कुछ किसी भी तरह का शॉट। 2 लुक आउट हुआ है वो नाज़रीन, कल उसने 9 लुक 6 मारा था और वो 9 लुक आउट हुआ है। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम इसके ऊपर बताओ ए कराची के जज्बाती, लेकिन एक मुझे बात साथ में बताना, नवाज क्या ये नहीं सोचता होगा कि इस सिचुएशन में जब 17वां-18वां ओवर होता है मैं खुद ही ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ? क्या ये नवाज नहीं सोचता होगा? बिल्कुल नवाज सोचता होगा, क्योंकि उसका नाम नवाज है ना, तो सोचता होगा कि यार ये नवाज है शायद बचा ले, तो उसको ना आगे कर देता है। बाबर का मैच विनर, तुम बता रहे थे ना, बाबर का मैच विनर था, उसने बाबर को मैच जीता। लेकिन खैर नवाज की गलती नहीं थी, लेकिन यार हसनैन एंड नसीम शाह बोल ब्रिलियंट, एक बार तालियां हो जाए सबके लिए यार, हमारा सास हो यार तुम लोग। हसनैन जो है मुझे लगता है कि सरफराज ही उसको चला सकता है, जब सरफराज पीछे विकेट के पीछे होता तो हसनैन आउटसाइड। इस पे मैं कंट्रोवर्सी छोड़ूंगा, मैं अग्री नहीं करता तुमसे यार, सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट तुम्हें, बड़ा इससे मैं आगाज करूंगा क्योंकि इसने शोशा छोड़ दिया। सवाल ये है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल वॉचिंग एज वेल, क्या इंटरनेशनल कैप्टेंसी, इंटरनेशनल एक्सपोजर ने बाबर को सरफराज से बेहतर कप्तान बना दिया है? सरफराज की बैटिंग लाइनअप कन्वेंशनल थी, बंगल जे को उसने 7वें पे कर दिया, वो कोई बड़ा चेंज नहीं था, कैंसर था नीचे लाया। बाबर इज मेकिंग दीज गट्सी चेंजेस, सरफराज इज नॉट। मुझे इस पे बताओ क्या बाबर वाकई सरफराज से बेहतर कप्तान बनता जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं बक बैग एक नहीं, आप शायद मैं बैग भटका हुआ लग रहा हूं, ये भी कह सकता हूं, लेकिन मैं उस पे थोड़ा जाऊंगा। बैटिंग के हिसाब से जगह बैटिंग ऑर्डर जो है वो बाबर अच्छा हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब बॉलिंग, जब मैदान में फील्डर्स और बॉलिंग जिस किस तरीके से चलवानी है, जो फाइट है वो सरफराज से बेहतर मुझे नहीं लगता बाबर कर सकता है। यार द मैन द मिथ द लेजेंड, मुझे एक बात बताइए, एस मुंह के फायर में आपकी तरफ एंड होगा, मुझे बताया आपने उड़ा के रख देना है। बिल्कुल यार, मुझे एक बात बताए, डू यू अग्री विद हिम या फिर आपको लगता है कि ब्लंडर्स हुए सरफराज से? आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है फाते आना। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनसे। वाह 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 वाह, नाज़रीन अब तुम्हारे पास मवाद आ गया, उड़ा के रखना है दोनों को। आप देखें ना, ऐसे में क्वेटा मैच आ रहा कहाँ से, क्वेटा मैच आ रहा है पहले 10 ओवर में 42 रन बना के, ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने 100 से ऊपर रन भी बनाया आखिरी 10 ओवर में, लेकिन वो रिकवर नहीं हो सके। 42 रन जब आप बनाते हैं 10 ओवर में, उसके बाद रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। यार देखिए, एक तो मुझे ऐसा ये फील होता है कि अगर आप कंपेयर करें ये जो कट्सी चेंजेस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी टीम के अंदर इतना एक चांस बनता है, मार्जिन है, मार्जिन है ऊपर नीचे करने का, स्केल रख के लाइन खेल सकते। हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि जो बाबर है उसने उसको किसका क्रेडिट जाता है, दैट्स व्हाट यू फील? हाँ मुझे लगता है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यही है कि उसके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन नाजरीन हम सारी बातें अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें आना है टर्निंग पॉइंट की जाने भी, तो आपसे मिलते हैं अगले सेगमेंट में, सेगमेंट के उस पार हमारे टर्निंग पॉइंट के सेगमेंट। वेलकम बैक नाजरीन,
ये है मुख्य फायर रफ्तार के प्लेटफॉर्म से, मैं हूं वाहिद हाशमी, हमारा पूरा पैनलिस्ट जिसमें इतनी पावर कि हमें और किसी पावर्ड बाय कहने की जरूरत नहीं है जी हाँ। तो इस पर आते हैं मैच के टर्निंग पॉइंट पे, मुझे बताइए द मैन द मिथ द लेजेंड, आप तो नहीं आऊंगा इससे आऊंगा कैसा यार मुझे मुख्य फायर ये बता तुम्हारे नजदीक टर्निंग पॉइंट यार। मेरे ख्याल में तो कैस का ओवर, जो कैस का ओवर था जिससे नीशम को जो उसने ओवर कराया और जो मेरे ख्याल में मोर देन 13-14 रन उसके ऊपर पड़े, तो वहां से गेम तब्दील हो गई, वो ओवर बड़ा महंगा पड़ गया टीम को और मैच हाथ से निकल गया। वरना अगर नीशम का है महंगा मेरा, हाँ मेरा कैसा 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 देखो लॉलीवुड भी चलेगा यहाँ पे, यही है मुख्य फायर, आपको कहीं और नहीं मिलेगा, लॉलीवुड पीएसएल का अनोखा संगम। पता है जी द मैन द मिथ द लेजेंड, बड़ी मेरी ख्वाहिश थी काश के जो है नसीम और हसनैन के वो दो ओवर्स है वो टर्निंग पॉइंट पे, क्योंकि वो मेरे ख्याल में हकदार थे नसीम और नसीम ने तो बोल्ड मारा है और जो हसनैन ने तीनों विकेट लिए हैं। मेरे ख्याल में हम तो वैसे भी पुराने लोग हैं ना, बॉलिंग के बड़े शौकीन होते हैं, अच्छा शॉट हमें पसंद नहीं आता, अच्छी बॉल हमें बहुत पसंद। अच्छा इंडिया ये रिलेट नहीं कर पा रहा होगा ना, ये हमारा पूरा कंटेंट इंडिया में बहुत सारे लोग देखते हैं वो रिलेट नहीं कर पाते इन बातों से, क्या फास्ट बॉलर होता है, जुल्फे उड़ रही होती है, भाग के आता है, मुझे पता है आप नहीं कर पा रहे हो लेकिन फिर भी लव यू हमें ना आपको बताने के लिए। इट इज लाइक पोएट्री, वाह 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 वाह, देखिए दो प्लेयर बहुत ही बात है ना, सही है कराची के जज्बाती। मेरे हिसाब से ओडिन स्मिथ के दो ओवर, एक नसीम शाह पॉवेल ने जो उसको मारे थे स्कोर मारा नसीम शाह के ओवर से पहले वो ओवर, और उसके बाद जब हसनैन और नसीम शाह दोनों मैच बना गए 18 में 19 चाहिए थे, उसके बाद जो ओडिन स्मिथ का ओवर था उसमें काम खराब। द मैन द मिथ द लेजेंड आज जज्बात आपको मात दे रहे हैं, ये बात इसको यार अप्रिशिएट, इसके लिए भी तालियां होनी चाहिए, जज्बात ने आज दी स्टैट्स को मात। तो खैर देखिए अब ये भी राइवलरीज आपस में छोटी मोटी चल रही होती है लेकिन हम अप्रिशिएट भी करते हैं, तो लेकिन जो ग्राउंड में प्लेयर्स होते हैं ना वो एक दूसरे को नहीं कर रहे होते, तो उनके जहन में क्या चल रहा होता है ये जानने के लिए हम अब आएंगे प्लेयर्स के जूतों में, तो मिलते हैं सेगमेंट के उस पार। सबसे पहली राइवलरी तेलका मचाने लगा मैं, पावेल बाबर वर्सेस सरफराज, आई गेस ये राइवलरी है जिस पे बात होनी चाहिए, दूसरी पे भी तहलका लेकिन ये बहुत बढ़िया, बाबर कौन बनेगा, कराची का जज्बाती बनेगा बाबर, हालांकि कराची को छोड़ा है बाबर ने जी हाँ, और सरफराज कौन बनेगा, बन जाते हैं मुंह का फायर सरफराज, इससे बेहतर सरफराज कोई नहीं बनेगा, ये भी मुंह का फायर है वो भी बहुत अच्छे मुंह के फायर है, तो आज चले हो जाए सबसे पहले सरफराज से, क्योंकि सरफराज जब बैटिंग हो रही थी और शुरू में चार विकेटें गिर गए, आप वन डाउन है गड़सी था, आपके जहन में क्या चल रहा था? यार मेरे जहन में तो यही चल रहा था कि इस विकेट के ऊपर रन बनाना आसान होगा, और हमने अपने जहन में ये सोचा हुआ था कि कम से कम 200 रन तो करने हैं इस विकेट पर। अच्छा यार सोचा बिल्कुल ये सोच के आए थे, क्योंकि हम वो देखते हैं अपना मुंह के फायर देखते हैं तो वो लोग भी ये कहते हैं कि जो तो 200 रन जो है ना आपको अंदर युगांडा में भी लोग देख रहे हैं, हमें भाई जबूटी पूरा अफ्रीका देख रहे हैं, पागल हुई है 200 रन ये लोग कहते हैं मिनिमम, तो हमने भी अपनी टीम को कहा यार 200 रन तो मिनिमम करने हैं जब मुंह के फायर कह रहे हैं, तो मेरे जहन में ही था भाई, लेकिन हसन स्क्वायर पे भी लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, 200 रन मुंह के फायर ही रह गए, आंसू आ रहे हैं बिल्कुल आंसू आ रहे हैं। अच्छा बाबर की जानिब पढ़ते हैं, लेकिन बाबर मैं साथ में एक बात जरूर कहूंगा, इतनी बड़ी राइवलरी जो हमने तस्करा किया क्वेटा पेशावर, तीन मैचेस एक रन के मार्जिन से, और आप पहली बार कप्तानी कर रहे थे और सामने आपके साबिक कप्तान, क्या चल रहा था जहन में, और खासतौर पे जब शुरू में डंडे उखाड़ दिए? देखिए डेफिनेटली मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी राइवलरी है, क्योंकि मुझसे जब पीसीबी ने एक इंटरव्यू किया था शुरू में कि भाई आपका राइवल कौन है, तो मुझे तो उस वक्त पता ही नहीं था कि राइवल कौन है हमारा, अब अगर पता चला मुझे बाद में तो कि भाई हमारा राइवल ये है, लेकिन देखें सैफी भाई हमने आपसे ही सीखा है सही, और आप ये भूल गए थे कि नवाज जो है वो मेरा मैच विनर है, आप उसके ओवर पे ओवर खेल रहे हैं, 47-48 रन दे दिए ना उसने, मैं नवाज को बाहर निकालता हूँ, कहते हैं मुझे क्यों निकाला, नहीं वो कैश पिटा तो नवाज ने बोला कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने, लेकिन देखिए मैं ऐसे शागिर्दों की ना बड़ी केयर करता हूँ, भाई शायर चल रहे हैं सारे, कैश जंगल में अकेला फिराया इसने, तुम मिस कर गए भाई, कैश फिरा दिया जंगल में अकेला। साई मयूब वर्सेस हसनैन यार, दोनों स्टार्स द मैन द मिथ द लेजेंड, क्योंकि इनको फास्ट बॉलर बनने का शौक है, मैं इनको बनाऊंगा हसनैन आज बिल्कुल, और साई मयूब यार मैं साई मयूब, साई मयूब देखिए मेरे जहन में तो ये था कि लास्ट टाइम जिस तरह से मैं इंस्पायर किया है और जो क्वालिटी शॉट्स मैंने खेले डिविलियर भाई की याद ताजा करते हुए जिस तरह से मैंने शॉट्स निकाले, तो मुझे ऐसा लगा था, लेकिन हसनैन ने कंप्लीटली मुझे आउटक्लास कर दिया, शाबाश लड़के क्या बॉलिंग कराई मेरे पास कोई जवाब, अब मैं अफरीदी बनूंगा थोड़ी देर के लिए, यार मैंने तुम्हें समझाया था हीरो मत बनना पहले मैच के बाद, तुम हीरो बन गए यार,
मैं अब हसनैन की जानिब जब जाऊंगा, हसनैन मुझे एक बात बताइएगा, क्या एक यंगस्टर को दूसरे बंदे का फैन क्लब ग्राउंड में ज्वाइन करना चाहिए कि वो इतना अच्छा या डोमिनेट करना चाहिए? असल में जब आप मैदान में उतरते हैं तो मैदान में मेरे ख्याल में ये दोस्ती वगैरह सब जो है ना साइड पर रखनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर इसके बड़े ख़िलाफ़ हूँ कि हमारे यहाँ जाकर रिजवान साहब और हारिस रऊफ साहब गले मिल रहे हैं मैच के दौरान। आप बैट्समैन को जो है वो रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स ना करें उसको, उसको बता दो कि बेटा अगली बॉल तुम्हारी आखिरी है। और आपके सहन में यही था जब आप साइम अय्यूब को बॉल कर रहे थे, तो हसनैन गए रूथलेस एटीट्यूड के साथ। साइम जो थे वो क्योंकि नए हैं, तो अब वेल प्लेड हसन कि साइम जो है वो नए हैं तो वो शायद ये सोच रहे हो कि यार बॉलर अच्छा है, अच्छी कर रहा है, मेरिट पे खेलो। लेकिन आप यंगस्टर हो चाहे कोई भी हो, सामने राइवल रहे साइबल है और यही जहन में रखना है। अब मैं आता हूँ तारीख की सबसे बड़ी राइवलरी में, भाई हुआ काम जाएंगी सुन के बता रहा हूँ, पेशावर की डगआउट जर्सी या दफ्तर खान? बता रहा हूँ दस्तरखान या फिर पेशावर की जो डगआउट की जर्सी, मैं बता रहा हूँ भाई दोनों रश कर रहे हैं एक दूसरे को देख के कि खाना किस पर खाया जाए। दस्तरखान हड़ताल पे चले गए, दस्तरखान हड़ताल पे चले गए और नहीं पेशावर की लेकिन जर्सी बिक रही है लोगों की, फूलों का शहर है ना। हड़ताल पे चले गए, हमें क्यों बिछाते हो, हमें भी अपने फैनों, हमें क्यों बिछाया, हमें क्यों निकाला कि टक्कर। बिल्कुल 80s में हमारे चाचा की शादी हुई थी तो शमियाने होते थे इस तरह के ना, मुझे लग रहा है उन शमियानों का माइक्रो निकाल के इनके बना दिए। ऐसा भी इसमें खबर है कि आप 80s में आपको शमियाने याद है? आपको बिल्कुल याद, बहुत पुराना है यार आपका शमियाने, लेट 80s भाई, 80s के जब मैं अब आ गए लेट 80s वो लेट 90s में भी आते हैं 5 मिनट दे देते। देखिए हम आ गए जूतों में, अब हम पूरा इनैक्ट करके दिखाएंगे और यही है मुंह के फायर का हुस्न कि आपको पता लगता है ज़ाविया क्रिकेटर का ऑन द फील्ड। लेकिन अब हम पढ़ते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की जाने जो के है नेक्स्ट मैच पे प्रेडिक्शंस। तो मिलते हैं सेगमेंट के उस पार। कल का मैच क्वेटा वर्सेस लाहौर आया है। देखिए जी ये मैं स्टार्ट में करता हूं, मैंने जो के कराची का आसरा ही नहीं किया लड़के ने ये बार, तो लाहौर अभी बहुत जख्मी है, कल राइज ऑफ कराची हो चुका है तो अरे आसाब से निकल आया होगा तो शायद कल का मैच जीत जाए। वैसे बात है क्रेडिट देना चाहिए नाजरीन, इन्होंने कहा था कि कराची लाहौर को हरा के अपने राइस का आगाज करेगा, क्रेडिट पे क्रेडिट आगे आगे, आगे देखिए क्या होता है। वेल प्लेड कराची के जज्बाती सर सरफराज की टीम इंशाल्लाह कल जीत जाएगी, ये पक्का कराची है ना, क्वेटा नहीं था। बाकी एहसान भाई ने सही कहा कि वो जो जख्म है ना कराची ने जो दिया था वो इतनी अच्छी इतनी जल्दी भरेगा नहीं, और आगे कप्तान भी कराची वाले और टूटे हुए राग है वो सरफराज की टीम हो, लेकिन है वो कराची वाले खुद से ही नाराज है। कल सपोर्ट देखिएगा आप टीम में उसकी ग्राउंड में क्वेटा की, भाई कल मजा आने वाला है बहुत ज्यादा हम जैसे फास्ट बॉलिंग के लवर्स को। ठीक है, एक तरफ हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, दूसरी तरफ नसीम शाह और हसनैन, पावर पैक, तो यानी कि टोटल 40 ओवर्स में से कितने ओवर देखने को मिलेंगे हमें? 16 ओवर हमें देखने को मिलेंगे, क्वालिटी 20 क्योंकि 2-2 और फिर जमान खान भूल गए आप, जमान खान के 4 ओवर नेशनल जो हमारे पापा इंडिया के लिए छोटा सा क्रैश कोर्स ट्यूशन लें, और मैं कहता हूं कि आप क्रैश कोर्स भी लें लेकिन फीस अदा कर लीजिएगा। देखें क्योंकि हम जो है ना ये हर किसी को सिखाते नहीं, आप तो नेबर्स हैं वहां पे, फिर भी कल का मैच जरूर देखिएगा क्योंकि पता चलेगा कि जब 4 फास्ट बॉलर्स मैदान में होते हैं तो क्या। और हम जमान खान को नहीं ला रहे अभी खाते में, हालांकि हमें वो बहुत पसंद है, लेकिन अगर वो होते ना वो इस वक्त शायद आपके उमरा के ऊपर होते और आप कह रहे होते यार बेस्ट फास्ट बॉलर एवर उसकी मेलकम मार्शल की बाउंसर ये वो आप कर रहे हो, हम ऐसा नहीं करते हम थोड़ा खैर वेरी वेल प्लेड ऑल द पैनलिस्ट, ये था आज का मुंह के फायर हमारे रफ्तार के प्लेटफॉर्म से, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलते रहेंगे ड्यूरिंग द मैच और आफ्टर द मैच भी, जिसके लिए रफ्तार के सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहिए और फॉलो करते रहिए, चाहे वो फेसबुक, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे वो ट्विटर, चाहे वो यूट्यूब, आपको मिलेगा रफ्तार हर प्लेटफॉर्म पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। तो अगले मैच के ड्यूरिंग द मैच एंड पोस्ट मैच एनालिसिस से पहले तक हम सबको दीजिए इजाजत, मैं हूं वाहिद हाशमी, ये हमारा पूरा पैनल द मैन द मिथ द लेजेंड फहद, मुंह का फायर एहसन, कराची का जज्बाती अली, मुंह के फायर प्लेटफॉर्म से रफ्तार से, कल तक के लिए अल्लाह।